Now next interesting example based on pointer property, pointer and two dimensional arrays. Case में अगर मैंने same example copy किया from test और C skill by S1 connect कर. इस case में simply two dimensional array provide किया गया, इसका order क्या 2x3 plus initial elements क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस case में fun functions के respect में different different function declarations provide किए गए हैं. Out of them आपको find out क्या करना, valid function declaration. इस case में multiple choice question है, एक से ज्यादा options correct होना possible है. इस case में आपको identify करना है only correct options, means कौन सा function declaration valid है, कौन सा invalid है. सभी functions के अंदर same body session provide किया, common code, means finally इस code के अकॉर्डिंग बात करें टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या होता है, टू लूप्स, आउटर और इनर. आउटर लूप कितनी बार चला वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोज. इस एरे में टू रो है, थ्री कॉलम, तो आउटर लूप का एग्जीक्यूशन कितनी बार होना चाहिए, टू टाइम्स. इनर लूप का एग्जीक्यूशन थ्री टाइम. फाइनली इस प्रोग्राम से डिस्प्ले क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन एरे. इस केस में सभी फंक्शंस के अंदर सेम बॉडी प्रोवाइड हुई, लेकिन चेक करना है कौन सा फंक्शन परफेक्टली मींस रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन इनपुट्स. इस केस में जब भी आप टू डायमेंशनल एरे पास कर दो, टू डायमेंशनल एरे के रिस्पेक्ट में जस्ट कॉलम का साइज अवेलेबल होना कंपलसरी है. बिकॉज क्योंकि टू डायमेंशनल एरे के रिस्पेक्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन लाइक दैट ए ऑफ आई ऑफ जे लाइक दैट, देन इसका कन्वर्जन क्या रहता है इंटरनली लाइक दैट. One conversion is that star a plus I plus j. This is the conversion regarding pointers, regarding array. Suppose अगर आपके पास a के place पर array name ना हो, अगर a के place पर simply pointer name available है, then pointers के respect में और कोई expression नहीं given है, then इस case में corresponding conversion क्या होना चाहिए, like that star p plus C max means column maximum size. आपको फाइनल इस केस में रिक्वायर्ड किया कॉलम का मैक्सिमम साइज मल्टीप्लाई बाई आई प्लस जी. दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ इन केस ऑफ पॉइंटर्स. मीन्स फाइनली आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जिससे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना पॉसिबल. फाइनल इस केस में आई और जे तो इंडेक्स के बेस पर आइडेंटिफाई हुए, लेकिन जब किसी भी पॉइंटर कोई भी एरे एक्सप्रेशन पॉइंटर्स के रिस्पेक्ट में जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंटर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो, तो उस केस में कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड किया कॉलम मैक्सिमम साइज, देन ओनली कन्वर्जन पॉसिबल. फाइनली सभी केस में रिक्वायर्ड किया कॉलम मैक्सिमम. आउट ऑफ देन ऑप्शंस मींस इस केस में कॉलम मैक्सिमम साइज क्या 3, रो मैक्सिमम साइज क्या 2. तो इस केस में प्रोवाइड क्या हुआ, कॉलम मैक्सिमम साइज. इस केस में कॉलम मैक्सिमम साइज है नहीं, इसलिए ऑप्शन कैसा हुआ, इनवैलिड. लेकिन इस केस में अगर कॉलम मैक्सिमम साइज का मतलब ये नहीं कि ऑप्शन वैलिड होगा, मीन्स इट मे बी वैलिड और मे बी इनवैलिड. लेकिन अगर कॉलम मैक्सिमम साइज नहीं देना आप 100% बोल सकते हो इट इज इनवैलिड. क्योंकि इस केस में अगर आप सपोज दैट पी के रिस्पेक्ट में अगर कोई एक्सप्रेशन राइट डाउन कर दो लाइक दैट पी ऑफ आई ऑफ जी, देन इसका कन्वर्जन क्या होगा लाइक दैट, और इस कन्वर्जन के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड के आई के प्लेस पर आई का वैल्यू अवेलेबल है, देन जे के प्लेस पर जे का वैल्यू अवेलेबल. लेकिन इस एक्सप्रेशन में कहीं भी कॉलम मैक्सिमम साइज रिप्रेजेंट हो रहा है क्या, नहीं, देयरफॉर इट इज इनवैलिड ऑप्शन. सेम एज डी, डी के केस में कॉलम मैक्सिमम साइज अवेलेबल है, मे बी वैलिड मे बी इनवैलिड, देन इन दैट केस ऑल्सो अवेलेबल. तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ओनली कौन सा ऑप्शन डिलीट हुआ है, सी. इसके अलावा अभी भी आपके पास सिक्स ऑप्शन अवेलेबल. सिक्स ऑप्शन में से फर्स्ट केस में से इस केस में कहीं भी रो मैक्सिमम साइज रिक्वायर्ड है क्या, नहीं. इसे इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के बेसिस पर करेस्पॉन्डिंग कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, वैलिड. मीन्स अगर फर्स्ट फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर गिवन बॉडी पार्ट अगर पुट करो तो इसे आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयरफॉर इट इज वैलिड ऑप्शन. मीन्स टू डायमेंशनल अगर कोई भी फंक्शन टू डायमेंशनल एरे पास कर रहा है, उस केस में इस टाइप के डिक्लेरेशन के थ्रू टू डायमेंशनल एरे को प्रोसेस करना पॉसिबल है. रीजन इस केस में अगर आप पॉइंटर के केस में बात करें तो पॉइंटर में जब भी इंक्रीमेंट कराओगे तो इंक्रीमेंट मीन्स इस केस में आपने देखा हो, इन दैट केस वन डायमेंशनल एरे में टू डायमेंशनल एरे में जब भी इंक्रीमेंट कराते हैं तो इंक्रीमेंट किस होता है, साइज ऑफ रो. और इस केस में भी अगर आप पी में वन से इंक्रीमेंट कराओगे ये वर्क कैसे करा, लाइक टू डायमेंशनल एरे नेम, तो इस केस में भी इंक्रीमेंट किससे हुआ, साइज ऑफ रो. रो का साइज क्या है इस केस में, साइज ऑफ रो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइड रो. इस रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट, मीन्स साइज क्या है, 6 वाइड. तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ, 6 से, इसलिए ऑप्शन कैसा है, वैलिड. लेकिन सेकेंड केस में बात करें बी ऑप्शन, इज इट वैलिड और इनवैलिड, इस केस में ये डिक्लेरेशन क्या है, पॉइंटर टू एन एरे, मीन्स ए पॉइंटर इस वन डायमेंशन टू डायमेंशनल एरे के केस में एरे नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करता है, एनी टाइम एनी सिंगल रो. इस केस में भी पी के थ्रू भी कितने एलिमेंट्स पॉइंट हो रहे हैं, 3 पॉइंट. इस पॉइंटर की मीन्स डिक्लेरेशन क्या है, पॉइंटर टू एन
इंटीजर एरे हो, पॉइंटर टू यानी इंटीजर एरे, इसके इसमें कितने एलिमेंट पॉइंट कर सकता, थ्री एरे एलिमेंट्स, और कॉलम के अंदर एलिमेंट्स भी कितने, ऑल्सो थ्री, मीन से एक सिंगल रो का साइज क्या है, सिंगल रो के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, थ्री एलिमेंट्स, और इसके थ्रू थ्री एलिमेंट्स पॉइंट करना पॉसिबल, देयरफॉर इट इज ऑल्सो वैलिड। मीन से इस केस में भी अगर सेम बॉडी पार्ट इस फंक्शन के अंदर पुट करो देन इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, सेम आउटपुट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो वैलिड ऑप्शन। ऑप्शन डी के रिस्पेक्ट में चेक करें, डी के केस में अगर आपने स्टार प्रोवाइड ना किया होता देन ये कैसा था, वैलिड के, लेकिन इस केस में स्टार इनवैलिड, मीन से स्टार से रिप्रेजेंट क्या हो, जस्ट थ्री डायमेंशन एरे, जबकि एरे कैसा पास हो रहा है, टू डायमेंशन, अगर आपने थ्री डायमेंशन एरे पास किया होता देन ये वैलिड होने के चांसेस थे, लेकिन केस कैसा है, इनवैलिड। सेम एज इन दैट केस, इस केस में सेम प्रॉब्लम, से रो साइज प्रोवाइड किया नहीं किया डजंट मैटर, रो साइज डिक्लेरेशन में भी अफेक्ट नहीं होंगे, अफेक्ट किस हो रहा है, जस्ट स्टार, देयरफॉर इट इज ऑल्सो इनवैलिड। ऑप्शन एफ, एफ के रिस्पेक्ट में कॉलम साइज अवेलेबल है, रो साइज डजंट मैटर, अगेन ये केस कैसा है, वैलिड ऑप्शन। लास्ट केस चेक करें, लास्ट केस में क्या, अगेन सेम प्रॉब्लम, इस केस में इसे रिप्रेजेंट किया जस्ट रो साइज, इसे अगर आपने सिंगल डायमेंशन प्रोवाइड किया, सिंगल डायमेंशन इटसेल्फ के रिप्रेजेंट करा जस्ट रो। दूसरा केस, इस केस में जस्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, जब वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं वन डायमेंशनल के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है, जस्ट पॉइंटर, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जस्ट डबल पॉइंटर, मीन्स स्टार स्टार बी लाइक दैट, देयरफॉर इट इज इनवैलिड। मीन्स इस केस में अगर आप P में इंक्रीमेंट कराओगे वन से, तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, टू से, जबकि एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट कितना है, कॉलम मैक्सिमम साइज मल्टीप्लाई बाई आई, मीन्स साइज ऑफ रो, देयरफॉर इट इज इनवैलिड। करेक्ट ऑप्शंस कितने, ए बी एफ। अगर इन थ्री फंक्शंस के अंदर गिवन बॉडी पार्ट पुट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओ, डिस्प्ले क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स, रिमेनिंग केस में क्या, सम अनएक्सपेक्टेड आउटपुट और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर।